नहीं, बैठो ना यहाँ पे। मरिया, आई एम वेरी सॉरी, उस वक्त मैं तुमसे अच्छी तरह से पेश नहीं आया। वो क्या है ना कि बाबूजी की तबीयत की वजह से। तुम्हारी बात का मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, क्या बात है बताओ ना। नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है मरिया। मुझे नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, लेकिन दिल की बात किसी से कहने से मन हल्का हो जाता है। मरिया, मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। अब ये सब मुझसे अकेले संभाला नहीं चाहता है मरिया। कभी कभी तो अपने आप को बहुत बहुत अकेला महसूस करता हूं। ऐसा क्यों सोचते हो, हम सब साथ हैं ना। तुम लोगों के भरोसे ही तो ये सिल्वर जुबली शो कर रहा हूं मैं। बस अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि ये शो खुशी खुशी हो जाए। ऐसा ही होगा, मेरा दिल कहता है। सच? तैयार क्यों नहीं हुए? बेटे मैं तो तैयार हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। हमारे बाबूजी का जोधपुर सूट का है जो मैं लाया हूँ। वो कहते वो ऐसे ही चलेंगे। अरे नहीं, कब जाकर लेकर आओ। बेटे क्या जरूरत है, मैं ऐसे ही आऊंगा। नहीं बाबूजी, आप वही पहनकर चलेंगे। आप कितनी बातें मानता हूँ, आप मेरी एक बात नहीं मानेंगे। अच्छा। बाबूजी शो हाउस फुल हो गया है और मेरे साथ भी आने वाले हैं, आप जल्दी चलिए ना। अच्छा तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। मेरे साथ पूरी इसी तरह। हाँ मैं जाता हूँ, आप सूट पहन गए। हमारे बाबूजी का सूट। अच्छे लग रहे हैं बाबूजी। बाबूजी तू भी शेखरन से कुछ कम नहीं है। ऐसे दिन बार बार नहीं आते बाबूजी। आएंगे बेटी। हेलो शेखरन बाबू। अब बहुत हो गया बेटी, और कितनी देर लगाओगी? बाबूजी आपका रुमाल, एक मिनट में लगे। बाबूजी, बाबूजी आपके लिए टेलीग्राम्स आए हैं। ग्रीटिंग्स होंगे बाबूजी, आपके चाहने वालों ने भेजे होंगे। बाबू जी जल्दी चलिए ना, कितना बढ़िया शो हो रहा है, जल्दी आइएगा। बाबू जी रुमाल। गुलिस्तान सर्कस के मालिक का। ओरियंट सर्कस। सुब्रमण्यम साहब का बेटी, किसी जमाने में मैं इनके यहाँ नौकरी किया करता था। कैसे दिन गुजर जाते हैं। चलो बेटी, जरा गला सूख रहा है, पानी लेकर आऊं? हाँ ले आओ। एक मिनट। बाबूजी आप हमें चलना ही चाहिए, इतने सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और हम अभी तक यहीं पर हैं। बाबूजी आपको क्या हो गया? बाबूजी कुछ खास नहीं बेटा। शेखरन को बुला लो। नहीं उसे मत बुलाना। शेखरन आगे चलने का, आगे चलने का, आगे चलने का। शेखरन आपकी तबीयत ठीक नहीं है। शेखरन जी, बेटा वो आ जाओ।
ये पकड़ो ना, ये बच्चा पकड़ो। बाबूजी, तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अपना सिल्वर जुबली शो हो रहा है ना बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और शो देखते हैं। नहीं आप बैठो बाबूजी, आप इधर। बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ है, चलो शो देखते हैं। नहीं बाबूजी, शो रहे बाबूजी, कोई कोई डॉक्टर को लेकर आओ ना। जल्दी शेखर बाबू, डॉक्टर साहब आ गए। आइए आइए डॉक्टर, आप लोग प्लीज विचार करो। मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक हूं मैं, बस थोड़ा सा दर्द हुआ है। आप इन्हें फौरन हॉस्पिटल लीजिए। नहीं हॉस्पिटल नहीं, मुझे अरीना ले चलो, मुझे सिल्वर जुबली फंक्शन देखना है, इसी दिन के लिए तो मैं जिंदा हूं। डॉक्टर साहब इट्स नॉट एडवाइजेबल। बेटा मुझे कुछ नहीं हो रहा है, तू खाम खा डर रहा है। आप लोग शो क्यों नहीं शुरू करते? लेकिन बाबूजी, ऐसी हालत में शो करना क्या ठीक रहेगा? अलसमा, ये तुम कह रही हो? देखो जो होना है वो होके ही रहेगा, बट शो मस्ट गो ऑन। सहदेवन बाबू आप देखो, ये बहस करने का वक्त नहीं है। अगर तुम लोग मुझे वाकई चाहते हो तो ऐसा शानदार शो देना कि दुनिया देखती रह जाए। मुझे लोगों की तालियां सुननी है, उनकी मुस्कान देखनी है। ऐसा शानदार शो दोगे मुझे? ठीक है बाबूजी, चलिए आप। Thank you.
अगर सुन लो जिस्म लेना हम तो बम ये फट जाएगा के बहती सी है नदियां का ये पानी रुक जाएगा ये दम भी घुट जाएगा कि कुदरत की हनस नस में जहर ये बस जाएगा प्लास्टिक के हम सब मोहताज हैं कैसा ये समाज है ना पाए रे सिचुएशन ड्रास्टिक है जहां देखो प्लास्टिक है सिचुएशन ड्रास्टिक है जहां देखो वही थैली बोतल स्ट्रॉ इत्यादि सर्रे सर्रे में फैला दी ना घट पाए ना मिट पाए रह रह के टॉक्सिक बन जाए इससे छुटकारा तो नहीं पर है एक सरल उपाय रे सिंगल यूज प्लास्टिक को हम कह दे बाय बाय रे टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे हम जो मिलकर ठान ले अगर वक्त ये बदल जाएगा किस धरती के नाम स्वच्छता को बनाकर अपनी पहचान सफल कर रहे हैं जो स्वच्छ भारत अभियान मनोज वाजपेयी करेंगे उन स्वच्छ ग्रहियों का सम्मान और शंकर महादेवन छेड़ेंगे सुरों की तान ए युवाओ सुनो ऐसे देश का सपना बुलो ए युवाओ सुनो स्वच्छता की राह तुम चुनो ए युवाओ सुनो देखिए धारावाहिक सफर मंजिलों का हर गुरुवार और शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर कहानी है
पाताल कोठरी में तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं। यदि ये ललकार तुमने हमारे राज्य में दी होती तो निश्चित ही हमारे हाथों से तुम्हारी मृत्यु हो गई होती, किंतु इस समय हम लाचार हैं। लगता है आपसे छल करके कोई अपनी मृत्यु को ही न्योता दे रहा है। किंतु वो द्रोही है कौन? आज छल कपट तो करूंगी, किंतु आपके साथ नहीं, उस दुष्ट के साथ ऐसा छल करूंगी जिसके लिए मैंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया। अब हमें कलावती से भी सतर्क रहना होगा। उसके मुखड़े पर अब हमें भोलापन दिखाई नहीं देता, अभी तो उसके मुखड़े पर अब हमें चुड़ैल का मुखड़ा दिखाई देता है। सूर्य प्रताप सिंह के सामने तुम जैसे हजारों भी आ जाएं, तब भी निर्णय हमारे पक्ष में ही होगा। यदि तुम राजपूत हो तो हम भी राजपूत हैं, लेकिन तुम्हारे रगों में दौड़ने वाले रक्त में हमें छल कपट की गंध आ रही है। आपने ये क्या दशा बना रखी है? मुखड़े पे घबराहट है, नेत्रों में भय है, चाल में लड़खड़ाहट लग रही है, जैसे किसी रण क्षेत्र से प्राण बचाकर महल में छिपने आए हैं। इतनी भोली नहीं हो तुम मंगला, जरूर मंत्रीवर पर कोई संकट आ पड़ा है, अन्यथा उन्हें हमारी ऐसे याद न आती। यदि बुरा न लगे तो तुम खुद ही बता दो, क्या नया षड्यंत्र होने जा रहा है महल में? हम क्या जाने, जंगल की भूल भुलैया में भटकते भटकते अपने भाई को तो कभी नहीं खोज पाएगा। युवराज, प्रणाम महर्षि जी। आयुष्मान भव, आप यहाँ? यही प्रश्न तो हम तुमसे पूछने वाले थे वत्स। तुम तो राजकुमारी के महल की ओर गए थे, तो वापस कैसे लौटा है? क्या हम वापस लौट रहे? हम तो समझे थे कि हम रूपनगर की ओर जा रहे हैं। हाँ वत्स, तुम लौट कर वहीं आ गए हो जहाँ कुछ दिन पूर्व हम गए थे। ये कैसी माया है महर्षि जी, सैकड़ों कोस की यात्रा करने के पश्चात भी हम रूपनगर की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ा पाए। ये माया भी शक्तियों का प्रताप है मनीष। कहीं तुमने पथ पर किसी पथिक से रूपनगर का पथ तो नहीं पूछा था? पथ में हमें एक लड़की मिली थी, उसने हमें रूपनगर का पथ इसी दिशा में बताया था। वो कोई साधारण कन्या नहीं थी वत्स, वो तो एक मायावी शक्ति थी जो मायावी रूप में तुम्हारे सम्मुख आई और तुम्हें दिग्भ्रमित करके चली गई। तुम जा तो रहे थे रूपनगर की ओर, किंतु उसने तुम्हारा पथ भटकाकर तुम्हें विपरीत दिशा में भेज दिया। हम तो समझ रहे थे कि वो मायावी शक्ति हमारी सहायता कर रही, किंतु वो भी एक छलावा था। एक नहीं, ऐसे अनेकों छल तुम्हारे सामने और भी आएंगे वत्स, जो विविध रूप विविध शक्तियों में मायावी निशाचर तुम्हें सैकड़ों बार दिग्भ्रमित करने का प्रयत्न करेंगे, किंतु ऐसे में तुम सतर्क रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। यदि कोई और प्रश्न तुम्हारे मस्तिष्क में उमड़ रहा तो पूछो वत्स। महर्षि जी, पथ में हमें एक परी परागनी मिली थी, क्या वो भी मायावी शक्तियों का एक रूप है? नहीं वत्स, वो कोई माया नहीं वत्स, वो एक परी परागनी है जो दिव्य लोक से पृथ्वी लोक पर मनुष्यों की सहायता के लिए आई है। उसने भी हमें यही बताया था, इसका तात्पर्य यह हुआ कि परी परागनी एक सच्ची और सहायता करने वाली शक्ति है। हाँ वत्स, परी परागनी दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण है, इसलिए उस पर कभी अविश्वास मत कर, अन्यथा वो तुमसे रूठ जाएगी, और यदि वो तुमसे रूठ गई तो तुम्हें इस पथ पर अकेले अकेले भ्रमण करना होगा, कोई तुम्हारी सहायता के लिए नहीं आएगा। भला उस परोपकारी शक्ति पर हम अविश्वास क्यों करेंगे महर्षि जी, जिसने हमारी सहायता की? तुम सत्य कह रहे हो वत्स, किंतु परी पराग ने तुम्हें आगे के पथ पर किसी एक रूप में नहीं मिलेगी, अपितु उसके विविध और विभिन्न रूप भी हो सकते हैं।
परंतु हम उसे पहचानेंगे कैसे महर्षि जी? केवल और केवल उसके नेत्रों में झांक कर देखना वत्स। परी बरागनि के नेत्रों में तुम्हें प्रेम की सरिता नजर आएगी वत्स। और यदि मायावी शक्तियों के नेत्रों में झांक कर देखोगे तो तुम्हें छल और कपट की लकीरें दिखाई देगी। इसी से वत्स, इसी से तुम अपने हितैषी और अपने शत्रुओं को परख सकते हो। अब हमारी चिंता समाप्त हुई महर्षि जी, बस अब आप हमें आगे का पथ सुझा दीजिए ताकि हम शीघ्र से विजेंद्र प्रताप सिंह को देखें। ये पथ देख रहे हो वत्स, ये पथ तुम्हें सीधा तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले जाएगा। किंतु पथ पर चलते चलते कभी तुम्हें ऐसा ज्ञात होगा कि तुम्हारे सम्मुख कोई गहरी खाई है। कभी कभी चलते चलते तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि पथ समाप्त हो गया है, किंतु ये सब तुम्हारे नेत्रों का भ्रम होगा। एक चेतावनी युवराज, रूपनगर के पथ पर तुम्हें एक युवराज अपने एक साथी के साथ मिलेगा। वो दोनों बहुत कपटी हैं, उनकी बात पर कभी विश्वास मत करना। सोरावर, पता नहीं किस अशुभ घड़ी में हम अलकापुरी से निकले थे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। रूपनगर के लिए निकलने से पूर्व हमें अपने साथ अपने सैनिकों को भी ले लेना चाहिए था। यदि हमारी विशाल सेना हमारे साथ होती तो हम इस प्रकार भटक नहीं रहे होते। आपने तो मेरे मुख की बात छीन ली सरकार, मुझसे अब आपकी ये दशा देखी नहीं जाती। आपकी ये दशा देखकर मेरा हृदय पीड़ित हो चुका है। सरकार, कहाँ राजमहल का सुख भोगने वाला राजकुमार और कहाँ वन के पथ में पथ पथ भटक रहा है। बस सोरावर, बस, अब हम और कष्ट नहीं सह सकते। यदि हमारे पास एक अश्व होता तो हम अवश्य आगे बढ़ते, पर अब हमारे पग, हमारा शरीर, हमारा मन सब कुछ थक गया है। हमें लगता है कि हमें लौट जाना चाहिए, वरना हमारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। अति उत्तम, उत्तम, अति उत्तम सरकार, आपने यहाँ से लौट चलने का विचार करके बड़ी बुद्धिमत्ता दिखाई है। यदि आप जीवित रहेंगे तभी तो राजकुमारी चंद्रमुखी को अपनी महारानी बना पाएंगे, तो क्या लौट चले सरकार? चलो, चलो। अब इस जंगल से वापस लौटने के बारे में सोचना भी नहीं युवराज। ये क्या जोरावर, क्या तुम्हें भी किसी कन्या की मधुर ध्वनि सुनाई दी? हाँ हाँ सरकार, आवाज तो सुनाई दे रही है किंतु कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कोई कोई मायावी शक्ति तो नहीं है? उधर कहाँ देख रहे हो? मैं यहाँ हूँ आपके नेत्रों के नीचे। इतनी सुंदर कन्या, कहीं ये हमारा नेत्र भ्रम तो नहीं? नहीं नहीं सरदार, ये हमारा नेत्र भ्रम नहीं है, सत्यता है। जो आपके नेत्रों ने देखा वही मेरे नेत्र भी देख रहे हैं। आप लोगों का वापस लौटना असंभव है। यदि आपने वापस जाने की चेष्टा की तो आप सीधा परलोक सिधार जाएंगे। परलोक? परंतु क्यों? यहाँ से लौटने के पश्चात हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कारण है ये रूपनगर का मायावी जंगल। संसार के किसी भी कोने से लोग यहाँ आ तो सकते हैं, लेकिन अपने इच्छा अनुसार वापस जा नहीं सकते। मायावी शक्तियों के अधीन, किंतु तुम हो कौन? दिखने में तो तुम इतनी छोटी लग रही हो, किंतु तुम्हारी जीवन इतनी लंबी है। मेरा मतलब है, बोलती बहुत हो। मैं परी परागनि हूँ, मैं इस जंगल की सारी मायावी शक्तियों से तुम्हें सतर्क कराना चाहती हूँ। लेकिन तुम यहाँ अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे तीन युवराज और हैं। हाँ, जोरावर, ये लड़की सत्य कह रही है। एक युवराज वो था जो हमें उस पहाड़ी के पीछे अश्व पर दिखा था। हाँ। और दूसरा युवराज वो जो हमें मूर्ख बनाकर अपने अश्व पर निकल गया। हाँ। परंतु ये तीसरा, तीसरा, तीसरा तो हमने देखा ही नहीं सरकार। हाँ। तीसरा युवराज भला कैसे दिखता? वो तो रूपनगर के कारागार में बंदी है।
परी तो सब कुछ चाहती है। सरकार, कदाचित ये परी हमारी सहायता के लिए यहाँ आई हो। परी परागिनी, हम वापस नहीं लौटेंगे, किंतु आगे बढ़ने में आप हमारी सहायता करेंगी? नहीं, कभी नहीं। मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं की मदद करती हूँ जिनके दिल में सच्चाई के दिए जले होते हैं। किंतु तुम दोनों बुरे तो हो ही, साथ में तुम्हारा उद्देश्य भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करूँगी। ए परी परागिनी, तुमने युवराज भानु प्रताप सिंह को ना कहने का साहस कैसे किया? अब देखना हम किस प्रकार तुम्हें चींटी की तरह मसल देंगे। कहाँ गई जोरावर? अभी तो वो यहाँ थी। महाराज, अब आप उसे भूल जाइए। वो हमारी सहायता करने आई थी, उसने हमें सतर्क कर दिया। अब हम एक एक पग फूंक फूंक कर रखेंगे। याद रखिए युवराज, यदि वो दोनों युवराज हमें पथ पर मिल गए तो हम उन दोनों को सदा सर्वदा के लिए समाप्त कर देंगे, और उन दोनों के अश्व लेकर हम रूपनगर के पथ की ओर निकल चलेंगे। अब इतनी आसानी से हमें कोई शक्ति परास्त नहीं कर सकती महर्षि जी। अब चाहे धरती फट जाए या आसमान से बिजली गिरे, अब हमारे पथ में कोई अवरोध नहीं डाल सकता। वत्स, तुम्हारा ये अटल विश्वास ही तुम्हें एक दिन तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा, किंतु यहाँ सतर्क रहना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। अब तो हम नींद में भी सतर्क रहने का प्रयास करने लगे हैं महर्षि जी। आयु का एक झोंका भी हमें चौकन्ना कर देता है। वत्स, इन मायावी शक्तियों का वास वायु में भी होता है। जिस प्रकार वायु साथ साथ चलती है किंतु दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार मायावी शक्तियां भी तुम्हें घेरे में लेकर तुम्हारे साथ साथ चलती है। यदि तुमसे किंचित भी भूल हुई तो इनसे बचना तुम्हारे लिए असंभव होता है। असंभव को संभव करने की इच्छा अब और बलवान हो गई है महर्षि जी। इसी प्रकार आपका आशीर्वाद मिलता रहा तो हमारे रक्षा कवच को तोड़ पाना किसी मायावी शक्ति के वश में नहीं होगा। हमारा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है वत्स, क्योंकि तुम अपने भाई की रक्षा हेतु यहाँ आए, उसे स्वतंत्र कराने का लक्ष्य लेकर यहाँ आए। किंतु रूपनगर का पथ जान लेना किसी भी साधारण मनुष्य के वश में नहीं है, क्योंकि इस पथ पर अदृश्य मायावी शक्तियों के साथ साथ अतृप्त आत्माओं का भी सामना करना पड़ता है। अतृप्त आत्माओं? हाँ वत्स, अतृप्त आत्माएं। अतिरिक्त आत्माएं वो होती हैं जिनकी मृत्यु से पूर्व कोई इच्छा अधूरी रह जाती है। वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पथ पर चलने वाले पति के पीछे लग जाती है और उनका रक्त चूस लेती है। इनकी भेंट चढ़ने के पश्चात मनुष्य सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। इसलिए वत्स, तुम्हें इस पथ पर अधिक और अधिक सतर्क रहना होगा। अब मृत्यु का भय हमें विचलित नहीं कर सकता। संकटों से खेलना तो राजपूत का धर्म है महर्षि जी। यदि मृत्यु भी हमारे सामने आई तो हम हंसते हंसते उसे छाती से लगा, किंतु अपने भाई को मुक्त कराने का संकल्प कभी नहीं तोड़ेंगे। हम रूपनगर के मायावी पथ की छाती चीर कर आगे बढ़ेंगे और विजेंद्र प्रताप की रक्षा करेंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए महर्षि जी। तथास्तु। हे ईश्वर, अपने भाई के प्रति जिस प्रेम और विश्वास को लेकर ये पथ पर आगे बढ़ रहा है, इसके विश्वास को बनाए रखना। इसे वन के पथ में हर बुरी शक्ति से बचाना, इसकी रक्षा करना। Oh!
यहीं समाप्त हो जाता है, आगे बढ़ने का कोई पथ नहीं है। युवराज? नहीं युवराज, अभी पथ समाप्त नहीं हुआ है, किंतु तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। अरे परागी, तुम? मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए फिर से चली आई हूँ युवराज। मैं जानती थी तुम यहाँ पर भ्रमित हो जाओगे, अभी पथ समाप्त नहीं हुआ है, तुम्हें पथ समाप्त होने का भ्रम हो रहा है। तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे रास्ते अपने आप खुलते नजर आएंगे। ये कैसी माया है परिपरा? जो नेत्र को दिख रहा है वो मिथ्या है और जो नहीं दिख रहा वो सत्य है। यही तो इस जंगल का रहस्य है युवराज। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे अनेक माया शक्तियाँ तुम्हारे पद पर बाधक बनने का प्रयत्न करेंगी, किंतु तुम अविचलित रहना और निडरता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। यदि तुम नहीं आती परिपराग्नि तो हमें आगे का पथ नहीं दिखने पर हम भ्रमित होकर वापस लौट जाते। यदि तुम पीछे लौटते युवराज तो तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती थी। मृत्यु? हाँ मृत्यु, यही तो इस जंगल का रहस्य है। यहाँ आगे बढ़ना जितना कठिन है उससे भी ज्यादा कठिनाई पीछे हटने में है। पथिक के पीछे हटते ही उस पर अनेक मायावी शक्तियाँ आक्रमण कर देती है और देखते ही देखते पथिक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुमने हमारी सहायता करके हमें एक नया जीवन दिया परिपराग्नि, यदि तुम नहीं आती तो हम विजेंद्र प्रताप को कभी देख नहीं पाते। अभी संकट टला नहीं है युवराज, मार्ग में एक और संकट आने वाला है। कैसा संकट? मार्ग में एक और युवराज और उसका साथी मिलने वाला है। वो दोनों बहुत स्वार्थी हैं। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो दोनों किसी की भी जान ले सकते हैं। तुम उनसे सतर्क रहना और उनकी किसी भी बात पर विश्वास मत करना, अन्यथा तुम्हारा लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। तुमने हमारी सहायता करके हमें एक नया जीवन दिया परिपराग्नि, उसके लिए हम जिंदगी भर आभारी रहेंगे। धन्यवाद, चलता हूँ। युवराज, हमें धोखा देने वाले की हम कैसी दुर्दशा बनाते हैं। पिछली बार अपने अश्व को छुपाकर बहुत चतुर बनने का प्रयास कर रहे थे। अब तुम्हारी सारी चतुराई तो लुप्त हो जाएगी युवराज, क्योंकि तुम्हारा अश्व लेकर तो हम चले जाएंगे और तुम यूं ही तड़प तड़प कर अपने प्राण दे दोगे। प्राण हम नहीं, प्राण तुम दोगे। राजपूत का रक्त होने का दम भरते हो और पीठ पीछे बार करते हो। आई
तो मृत्यु को प्राप्त हो गया महाराज, और इसका अश्व हमें प्राप्त हो गया। अब इसके अश्व को लेकर निकल जाने में ही समझदारी है। शाबाश सरावर, अब तुम हमारे सेनापति अवश्य बनो। सरकार, अब तो मैं रात को भी नहीं सोया करूंगा। क्यों सरावर? कहीं कोई हमारा अश्व लेकर चला गया तो? शाबाश, इस अश्व के मिलते ही मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरे पैरों में भी पंख लग गए हो। मेरा तो विश्वास लौट आया है। हाँ जोरावर, हमारे मार्ग की एक बड़ी बाधा टल गई है। अब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमें अपने लक्ष्य पर पहुँचने से कोई नहीं रोक पाएगा। शीघ्र ही अश्व हमें राजकुमारी चंद्रमुखी के महल तक पहुँचा देगा। आपको तो ये अश्व राजकुमारी के महल तक ले जाएगा, किंतु मेरा क्या होगा सरकार? यदि तुम्हारे भाग्य में पैदल चलना लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं जोरावर? चलते रहो, कभी ना कभी तो हम अपनी डगर पे पहुंच ही जाएंगे ना। सरकार, सरकार, यदि यूं ही पैदल चलते रहे तो बहुत देर हो जाएगी। यदि यदि आप मुझे अपने घोड़े की पीठ पर बिठा लेते तो मेरा भी पथ आसान हो जाता। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। एक अश्व दो दो मनुष्यों का भार नहीं उठा सकता। यदि बीच मार्ग में इसकी पीठ टूट गई तो हम दोबारा संकट में पड़ जाएंगे। तुम पैदल चलते रहो। वो तो चल ही रहा हूँ सरकार। आपको इस अश्व की चिंता है? यदि इसकी पीठ टूट गई तो हमें दूसरा अश्व मिल जाएगा। यदि पथ में चलते चलते पैदल मेरे पग टूट गए तो आपकी रक्षा कौन करेगा सरकार? वैसे भी आपको तो पता ही है कि ये पथ कितना मायावी है। जोरावर, हमें डराने की चेष्टा मत करो। महाबली भानु प्रताप सिंह किसी से भी टकराने की क्षमता रखता है। यदि तुम्हारा भाग्य प्रबल रहा तो वो दूसरा युवराज हमसे कहीं टकरा जाएगा, फिर हम उसे मौत देकर उसका अश्व तुम्हें दे देंगे। हाँ, ये हो सकता है, किंतु यदि वो युवराज आपसे पहले रूपनगर पहुंच गए तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि राजकुमारी चंद्रमुखी की मांग में कोई सिंदूर भरेगा तो वो केवल युवराज भानु प्रताप सिंह ही भरेगा। यदि किसी और ने राजकुमारी चंद्रमुखी से विवाह करने की चेष्टा की तो हम उसे मृत्यु देंगे। अब विवाह तो तब होगा ना सरकार, जब आप रूपनगर पहले पहुंचेंगे। आप भूल रहे हैं कि आपके अतिरिक्त दो दो युवराज और भी हैं, जो राजकुमारी चंद्रमुखी को पाने के लिए इस वन में भटक रहे हैं। और तुम भूल रहे हो जोरावर कि उनमें से एक युवराज को हम मृत्यु दे चुके हैं। और उसका अश्व हमारे पास है। और यदि वो दूसरा युवराज हमें कहीं दिख गया तो हम उसे मार के उसका अश्व तुम्हें दे देंगे। फिर क्या चंद्रमुखी को हमसे कोई छीन पाएगा? नहीं नहीं, कोई नहीं सरकार, कोई नहीं। यहाँ यदि आपकी वाणी सत्य हो गई तो आनंद ही आनंद हो जाएगा।
पता नहीं क्यों मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रूपनगर में राजकुमारी चंद्रमुखी अपने महल में बैठकर किसी झरोके में आपकी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर सोरावर, अब आगे बढ़ो। राजकुमारी चंद्रमुखी की जय हो। आओ अभिमन्यु, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। रूपनगर के जंगलों से क्या नया समाचार आया है? समाचार अति शुभ है राजकुमारी जी। महाराज का कथन एकदम सत्य निकला। जंगल की दिशा से हमारे राजमहल की ओर तीन तीन युवराज तीव्र गति से आ रहे हैं। उनमें से एक युवराज से हमारी पहले ही भेंट हो चुकी है, किंतु वो युवराज हमें तनिक भी पसंद नहीं आया। अवश्य, आप उसी युवराज की बात कर रही हैं जो अपने सेवक के साथ आ रहा है। ठीक पहचाना तुमने, हम उसी युवराज के लिए कह रहे हैं। प्रथम दृष्टि पड़ते ही हमने भांप लिया था कि युवराज और उसके सेवक की नियत में खोट है। आपका कहना सत्य है राजकुमारी जी, वह युवराज चतुर ही नहीं अपितु धूर्त भी है, किंतु उसके पीछे आ रहा वह दूसरा युवराज, उसने हमें काफी प्रभावित किया है। दूर से ही देखने में वह किसी राजघराने का कुलदीपक लगता है। यदि भाग्य ने साथ दिया तो वह सुंदर सजीला युवराज महल में आने में सफल हो जाएगा। यदि ऐसा हो गया तो हमारी लंबी प्रतीक्षा का अंत हो जाएगा, किंतु सदैव की तरह डर है हमें कहीं वो युवराज भी और युवराजों की तरह रूपनगर पहुंचने से पहले ही पथ में ही ना कहीं लुप्त हो जाए और हमारी प्रतीक्षा का कभी अंत ही ना हो। हम ये कदापि नहीं होने देंगे राजकुमारी जी। हमारे गुप्तचर जंगल के कोने कोने में फैले हुए हैं। उस युवराज पर किसी प्रकार की विपत्ति आई तो हमारे गुप्तचर उसकी रक्षा करेंगे। आपका यह सेनापति आपकी प्रतीक्षा को समाप्त करके ही चैन से बैठेगा, अन्यथा अपने प्राणों की आहुति दे देगा। हमें तुम पर पूरा भरोसा है, एक तुम ही तो हो जिसे हम अपने सारे रहस्य बता देते हैं। और आपके सारे रहस्य हमारे मन के भीतर ही रहेंगे राजकुमारी जी। आप अपने मन की छाई हुई निराशा निकाल कर फेंक दीजिए, अब भाग्य ने हमारा साथ देना आरंभ कर दिया है। देखना, शीघ्र ही आपकी इस राजमहल से डोली उठने वाली है। महाराज का सेनापति अभिमन्यु, महाराज का सेनापति अभिमन्यु इस कलावती से महल के इस कोने में क्या गुप्त बातें कर रहा है? शहीदाल में कुछ काला है। मंत्रीवर, आप सुना तो था आप महल में वापस लौट आए हैं, किंतु आप महल छोड़कर वापस गए ही क्यों थे? सेनापति जी, जब समय बुरा होता है तो कहते हैं परछाई भी साथ छोड़ देती है। हमारी स्वामी भक्ति महल के दरबारियों को पसंद नहीं आई और छल कपट का सहारा लेकर उन्होंने हमें महल से दूर कर दिया, किंतु सच्चाई को तो एक दिन सामने आना ही था। तुम्हारी सच्चाई कौन नहीं जानता रणवीर सिंह, तुम एक ऐसे नाग हो जिसे महाराज कितना भी दूध पिला दें किंतु अंत में तुम विष ही उगलोगे। क्या सोच रहे हैं सेनापति जी, क्या हमें महल में देखकर आपको अच्छा नहीं लगा? ये क्या कह रहे हैं आप मंत्रीवर, आपको देखकर हमें इतनी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे पास कहने के लिए शब्द ही नहीं है। आपके मन में हमारे लिए अभी भी इतना स्थान बचा है ये देखकर बहुत प्रसन्नता हुई सेनापति जी। इस महल में महाराज के विश्वास पात्र आप और हम ही हैं। अधिकतर अधिकारी महाराज और राजकुमारी जी के शत्रु हैं, किंतु महाराज ये नहीं जानते। हम इस षड्यंत्र से एक दिन पर्दा उठा कर रहेंगे, क्योंकि हमने महाराज का नमक खाया है। आपकी स्वामी भक्ति पर भला कौन उंगली उठा सकता है मंत्रीवर? आप ठीक कहते हैं, किंतु आप जैसे बड़े अधिकारी को छोटे मोटे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए सेनापति जी। कलावती आपसे कद में बहुत छोटी है, फिर क्या बातें कर रहे थे आप उससे? कलावती से बातें कर रहा था? कौन सी बातें? यदि नहीं चाहते तो मत बताइए, किंतु इतना याद रखिए ये छोटे लोग किसी के सगे नहीं होते। आपका कहना सही है मंत्रीवर,
कलावती हमारे कार्यों की प्रशंसा करके हमसे उपहार पाने की उम्मीद रखती थी, किंतु हमने इसकी बातों को कोई महत्व नहीं दिया। हमें महाराज ने आवश्यक कार्य से याद किया है, हम चलते हैं। रणवीर सिंह को मूर्ख बनाने का प्रयत्न कर रहा है अभिमन्यु, कलावती के साथ मिलकर हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है, किंतु तू रणवीर सिंह के चक्रव्यूह में फंस चुका है, जिसे तोड़ने के लिए तुझे दूसरा जन्म लेना होगा। तेरी मृत्यु अब हमारे हाथों निश्चित है। आज किस उधेड़ फूल में डूबे हैं हमारे कुंवर साहब? अच्छा हुआ ज्वाला तुम आ गई, इस समय हमें तुम्हारी बहुत आवश्यकता थी। पूरा न मानना कुंवर, पर तुम हो बहुत ही स्वार्थी। जब ज्वाला की आवश्यकता होती है तो तुम्हें हमारी याद भी आ जाती है, पर जब कार्य निकल जाता है तो इस प्रकार भूल जाते हो ज्वाला को, जैसे कभी जानते ही नहीं थे। अब हम तुम्हें कैसे समझाएं कि हम तुम्हें कभी भूले ही नहीं थे? हम तुम्हें बता तो चुके हैं, महल छोड़कर जाना हमारी विवशता थी। छोड़िए इन पुरानी बातों को, ये बताइए कि आज ऐसी कौन सी नई बात हो गई कि सूरत इस प्रकार लटका रखी है? कलावती हमारे पथ का कांटा बनती जा रही है, जिसकी चुभन की पीड़ा अभी से हमारे पाँव में होने लगी है। तो उस पीड़ा को समाप्त करना हमारा कार्य है कुंवर। घबराओ मत, ज्वाला की आग उस चुभते हुए कांटे को जलाकर भस्म कर देगी। हमें बताओ अब कौन सा नया गुल खिलाया है उस कलावती ने? अब कलावती महाराज के विश्वास पात्र सेनापति अभिमन्यु से जा मिली। हमने खुद उन्हें महल के एकांत में चुप चुप कर बातें करते देखा है। उस कलावती के भोले मुखड़े के भीतर छिपे उस चुड़ैल के चेहरे को आज तुमने देख लिया कुंवर। क्या कह रही थी वो अनाथ कलावती उस अभिमन्यु से? उनकी बातें तो हम नहीं सुन पाए ज्वाला, किंतु दूर से उनके हाव भाव परखने के पश्चात हमने पाया कि वो अवश्य ही कोई षड्यंत्र रच रही है। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? इसका पता लगाना तुम्हारा कार्य है ज्वाला। तुम तो वो ज्वाला हो, यदि चाहो तो पानी में भी अग्नि लगा सकती हो। वाह कुंवर, स्त्री के मन को जीतना तो कोई तुमसे सीखे। तुम्हारे इस मुखड़े पर तो हम अपने प्राण भी न्योछावर कर दे, इसलिए तुम्हें ना नहीं कहेंगे। हमें पूरा भरोसा था ज्वाला कि इस बुरे समय में तुम हमारा साथ अवश्य दोगे, और यदि इसी तरह तुम अपना सहयोग हमें देती रही तो एक दिन तुम्हारे गले में हमारे नाम की वरमाला अवश्य होगी। प्रसन्नता हुई सुनकर, किंतु हमें तुम पर विश्वास नहीं है कुंवर। यदि तुमने अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा किया तो ये ज्वाला तुम्हारे लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर देगी, पर यदि हमारे साथ छल करने का प्रयत्न किया तो याद रखना कुंवर, ये ज्वाला की आग जलाकर तुम्हें भी भस्म कर सकती है। हम पूरे रूप नगर को छल सकते हैं ज्वाला, किंतु तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम तो हमारे मन की मूरत हो। अब जाओ और जाकर उस कलावती के गुप्त रहस्य का पता लगाओ। तो समझो कलावती के उस गुप्त रहस्य को अभिमन्यु के मुंह से छीन कर लाना ज्वाला के अब बाएं हाथ का कार्य है। अब अभिमन्यु ज्वाला के इस चक्र में फंस चुका है। सेनापति जी को ज्वाला का प्रणाम। ज्वाला तुम कहो, कोई कष्ट तो नहीं? आपके रहते हुए हमें कैसा कष्ट सेनापति जी, आपको यू महल में अकेले खड़े देखा तो आपसे मिलने चले आए, किंतु आप इतने चिंतित क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? कहीं आपको उस कलावती ने कुछ कहा तो नहीं? कलावती ने? हाँ कलावती ने, वो सदैव इधर की बातें उधर करती रहती है। सेनापति जी उसकी बातों में कभी ना आइएगा, चुगलखोर है। किंतु आपसे अधिक तो नहीं होगी? ये आप क्या कह रहे हैं सेनापति जी, जितना अच्छा कलावती को हम जानते हैं आप नहीं जानते, उसकी मीठी मीठी बातों में सब आ जाते हैं। कहीं आपने उसे अपना कोई गुप्त रहस्य तो नहीं बता दिया? हमें कलावती से मिले बहुत दिन हो गए हैं, फिर वो हमारा रहस्य क्या जानेगी,
और फिर हमारे पास कोई ऐसा रहस्य भी तो नहीं जिसके खुल जाने का हमें भय हो। झूठ क्यों बोल रहे हैं सेनापति जी? कल ही तो आप एकांत में उस कलावती से छुप कर बातें कर रहे थे। हमने स्वयं अपनी आँखों से आप दोनों को बातें करते हुए देखा है। तुम कहना क्या चाहती हो ज्वाला? कुछ भी नहीं सेनापति जी, पर यदि आप बुरा ना माने तो क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि वो कलावती आपसे कह क्या रही थी? ज्वाला ने हमें राजकुमारी चंद्रमुखी से मिलते हुए अवश्य देख लिया होगा, किंतु हमारी बातें नहीं सुनी, इससे सतर्क रहकर पीछा छुड़ा रही। क्या सोच रहे हैं सेनापति जी, बताइए ना, क्या कह रही थी वो कलावती आपसे? आज तो तुमने हमसे यह प्रश्न कर लिया है, किंतु याद रखना आज के पश्चात दोबारा ऐसी मूर्ता मत करना, वरना पछताना पड़ेगा। आप तो बुरा मानते सेनापति जी, हम तो आपके भले के लिए ही पूछ रहे थे। आप नहीं जानते वो कलावती आपको भी फंसा सकती है। हम रूपनगर के सेनापति हैं और हमें अपनी प्रजा की रक्षा करना अच्छी तरह से आता है, किंतु यदि तुम महल की राजनीति में प्रवेश करने की चेष्टा करोगी तो अपने हाथ चला दो। महल की राजनीति से हमारा क्या लेना देना, हम तो केवल आपको उस कलावती से सतर्क कर रहे थे। सतर्क करने नहीं अपितु तुम हमें छलने आई थी, षड्यंत्र रचने आई थी। अब तुम जाओ यहाँ से, किंतु जाने से पहले हमारी चेतावनी को अवश्य याद रखना। अवश्य याद रखूंगी, किंतु आप हमारे कहे को भी याद रखिएगा सेनापति, अन्यथा कहीं हमें मारने से पहले आप अपने प्राण न खो बैठे। जानिए प्रकाश किरणों के रहस्य में और क्या होती है टोपोलॉजी, जानिए मैक्स फैक्टर में, सिर्फ डीडी साइंस पर 14 मार्च 2019 को शाम 5 बजे से 6 बजे तक।